नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और हम पहुंचे हैं भिवानी के कृष्णा कॉलोनी के एसडीजे स्कूल में। हम यहां आपको दिखाएंगे किस तरह से बच्चों ने काफ़ी अच्छी तैयारी कर रखी है और किस तरह से 15 अगस्त का कार्यक्रम मनाया जाए। आइए हम आपको लिए चलते हैं एसडीजे स्कूल में। हमारे भारत से आती हुई ये आवाजें और जब वो स्कूल के बच्चों से आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि भारत का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। वंडरफुल, हमारा देश दुनिया के सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश, यंगिस्तान। आपके चाइना और दूसरे देश बूढ़े हो रहे हैं लेकिन हमारा इंडिया जवान हो रहा है। हर घर आज तिरंगा फहरे, राष्ट्र प्रेम का सागर लहरे, देश प्रेम की गंगा मन में, देश प्रेम की गंगा मन में, आँखों में है स्वप्न सुनहरे, आँखों में है स्वप्न सुनहरे। आज का कार्यक्रम बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और कामयाब कार्यक्रम रहा। बच्चों ने और स्टाफ ने जो मेहनत की है और जो गाबा साहब ने और बाकी मैनेजमेंट के मेंबर और संरक्षक नंदवानी जी, ये सब इनका आपका नाम धर्मेंद्र हंस जी, इन्होंने जो मेहनत की है उसका फल है और स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छे ढंग से जो मनाया गया। बिल्कुल, आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, 15 अगस्त है आज, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप शहरवासियों को? शहरवासियों को ये मैसेज देंगे भी देश के लिए जो नछार हुए उनको याद रखो और आगे बच्चों को अच्छे संस्कार दो और ताकि उनको भी ये पता लगे कि स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुई। बिल्कुल जी, धन्यवाद सरदाना जी। हमारे साथ ओपी नंदवानी जी हैं जो स्कूल के ट्रस्टी भी हैं। नंदवानी जी, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, आज क्या कार्यक्रम रहा स्कूल में और किसकी प्रेरणा से हुआ कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं पर इस साल 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो विशेष रूप से हर घर में तिरंगा और पूरा भारतवर्ष ऐसे लग रहा है कि तिरंगा में हो गया है। ये प्रथम अवसर है और मैं इसके लिए तो प्रेरणा के लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देशभक्ति की भावना को सभी में बहुत प्रोत्साहित किया है। और विद्यालय प्रांगण में ये कार्यक्रम पिछले साल भी हुआ था और यहाँ हमारे बीच में जो आए हैं रश्मि बजाज जी, वो बच्चों को प्रोत्साहन करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। और बाकी मैनेजमेंट में हमारे राजकुमार जी आप भी हैं और आपने भी इस विद्यालय में बहुत ही सहयोग दिया है और इसमें काफ़ी आपका हाथ है और प्रेरणा भी है। और हीरा लाल जी हैं, मदान जी हैं, सभी गाबा जी हैं, विद्यालय के जो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे, वो वास्तव में देखा जाए तो पूरा स्टाफ, हर टीचर ने अपनी अपनी एक प्रस्तुति के लिए बच्चों को तैयार किया है और देशभक्ति के कार्यक्रमों की तरफ ही ज़्यादा जोर रहा है। और इस कार्यक्रम से मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ सभी टीचर का और ऐसे कार्यक्रम हमारे बच्चों में जो भावना देंगे उसी से देश तरक्की की तरफ और देश भावना की तरफ अग्रसर होगा। बिल्कुल, जय हिंद नंदवानी जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि बजाज जी,
डॉक्टर रश्मि बजाज जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के बारे में आप? जी, इस कार्यक्रम के बारे में एक तो ये है कि पूरे देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है, 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस ये मनाया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव, और उसके साथ साथ एक नया राष्ट्र बनाने के लिए जो इस कार्यक्रम में जो यहाँ हुआ स्कूल में, तो जिस तरह से बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, तो मुझे लगता है ये आगे बढ़कर बहुत अच्छी तरह से देश के भी नागरिक बनेंगे, अच्छे संस्कारी भी बनेंगे, और भारत को भी एक नए मुकाम पर पहुंचाएंगे, जैसे कि विकसित देश बने और अच्छे ऑलराउंडर्स बन के ये बच्चे निकलेंगे। एक नया भारत इंतज़ार कर रहा है इनके साथ, और मुझे उसकी बहुत एक इंतज़ार है कि जब वो आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो अगले 25 साल इन बच्चों के साथ हैं, तो इंडिया किस तरह से पूरा विश्वगुरु बन के निकलने वाला है, मेरी उसके लिए बेस्ट विशेज भी हैं, दुआएँ भी हैं। बिल्कुल, आप एक शिक्षाविद हैं और काफ़ी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाते रहते हैं, तो यहाँ के बच्चों में क्या लगता है आपको? यहाँ के बच्चों में मैंने देखा कि बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, हालांकि इतने संसाधन अभी नहीं हैं इनके पास, लेकिन फिर भी जो टैलेंट ये दिखा रहे हैं, उस टैलेंट में मुझे ये लगता है कि दे आर अमंग द बेस्ट, इफ दे कैन जस्ट फोकस ऑन देमसेल्व्स, दे आर गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक यू। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं विनोद गाबा जी। गाबा जी, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के कार्यक्रम के बारे में तो सर्वविदित है कि स्वतंत्रता दिवस भी है, और इस बार जो है 75वां अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है, तो उसमें भी हमारे विद्यालय अपने श्री JDKD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, श्री SD जगदीश गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इन्होंने भी पूरा जो है साथ दिया है, और आज 76वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जा रहा है, तो उसमें हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री अविनाश सरदाना जी थे, उन्होंने आज जो है हमारे स्कूल में झंडा फहराया था, और बच्चों ने भी आज बड़ी अच्छी, मेरी आशा से अधिक ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। उन प्रस्तुतियों को तैयार करने में हमारी एक जो है मैथमेटिक्स जो मैडम है पूजा, उन्होंने इसकी जो है खुद ही तैयारी कराई है, कोई कोरियोग्राफी कोई कुछ नहीं थी, तो मैं जो है इन सभी आए हुए मेहमानों का भी आभारी हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए, जिनमें विशेष रूप से हमारी जिसको जो है मैडम धाकड़ मैडम बोलते हैं, जो वैस कॉलेज से रिटायर हुई हैं, डॉक्टर रश्मि बजाज जी, उन्होंने सारे स्टाफ में पिछले साल भी जोश भरा था, इस बार भी इन्होंने टीचर्स में भी जोश भरा और बच्चों में भी पूरा जोश भर कर गई हैं, उसका असर हमें देखने को मिला कि पहले यहाँ 150 विद्यार्थी थे, आज 300 विद्यार्थी हो चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये बच्चे 300 से बढ़कर 500 अगले वर्ष जो है हो जाएंगे, और मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ, इन बच्चों को भी जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जो सुनने वाले बच्चे थे उनका भी मैं आभारी हूँ, और सारी मैनेजमेंट का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, धन्यवाद जी। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे साथ SDJ स्कूल की मैम है पूजा मैम, जिन्होंने यहाँ बच्चों को इतना अच्छे ढंग से रेडी किया, और बिना कोरियोग्राफर के इन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिलाई बच्चों ने, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये सब कैसे किया इन्होंने। मैम बताइए, कैसे किया आपने सब? देखो सर, वैसे तो जैसा हमें आता है, हमने सीखा है, हमने भी स्कूल में परफॉर्मेंस करी है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो हमने सीखा था वो बच्चों को अपने तरीके से, उनको अपना जैसे भी है, जो उनको सॉन्ग्स दिए गए उनको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हमने करवाई, और हमारे स्कूल में कोई कोरियोग्राफर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने अपना जो हमें आता था जिस तरीके से, हमने वो बच्चों को अपनी कोशिश ये करी है कि सभी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, और सभी जितने भी टीचर्स और स्टाफ मेंबर्स हैं उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया है हमें, तो ये कार्यक्रम आज का बहुत अच्छा हो पाया है। अगर उनकी हमारे साथ सहयोग नहीं होता तो हम पूरा ये परफॉर्मेंस दे भी नहीं पाते बच्चों का, और बच्चों ने तो अपनी जोरों शोरों से तैयारी करी थी, हमारा सहयोग था, लेकिन बच्चों ने अपने तरीके से उसको और उभारा है। हमारा तो सिर्फ नाम है, लेकिन बच्चों की कोशिश रंग लेके आई है, और हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे स्कूल में इतना अच्छा प्रोग्राम हो पाया। बिल्कुल, क्योंकि बिना कोरियोग्राफर के, बिना किसी के प्रोफेशनल के, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने, मैंने भी देखा, काफ़ी अच्छा रहा, तो मैंने बात की तो लगा कि भाई काफ़ी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस है इस स्कूल में। कोशिश करी है, और बाकी बच्चों की ही ये मेहनत है, हम तो सिर्फ उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो असल जो मेहनत होती है वो बच्चों की ही होती है। बिल्कुल, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। हाँ जी, हमने उनको अच्छे तरीके से गाइड किया है, बाकी बच्चों की मेहनत है ये, सिर्फ हम तो माँ बाप की तरह उनको गाइड कर सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, लेकिन वो परफॉर्मेंस बच्चों की थी, तो बच्चों को ही इसका श्रेय जाता है पूरा, तो मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी, धन्यवाद। जय हिंद।